नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर कंचन। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अरुण पांडा बॉडी स्कल्प एस्थेटिक क्लिनिक नवी मुंबई वाशी से। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं रिगार्डिंग लिक्विड राइनोप्लास्टी। अभी आप बोल रहे होंगे ये लिक्विड राइनोप्लास्टी क्या है। जैसे आप जान सकते हो कि हर किसी को पता है राइनोप्लास्टी इज रिलेटेड टू द नोज सर्जरी। आजकल हर किसी को अपना नोज काफी पॉइंटेड, शार्प और अच्छा चाहिए, बट सर्जरी का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। बहुत सारे अभी नए नए ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ रहे हैं, तो उसमें से एक जो है वो है लिक्विड राइनोप्लास्टी। सो एग्जैक्टली व्हाट इज लिक्विड राइनोप्लास्टी, इसके बारे में जानने के लिए हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण पांडा सर से। नमस्ते दोस्तों, जैसे डॉक्टर कंचन ने मेंशन किया, लिक्विड राइनोप्लास्टी, लिक्विड राइनोप्लास्टी इज अ टाइप ऑफ नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी। जैसे आपने बताया, राइनोप्लास्टी का मतलब है एनी सर्जिकल प्रोसीजर विच इज डन अंडर नोज, उसको सर्जिकल राइनोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें कि हम नाक के शेप को हम अल्टर कर सकते हैं। पर जैसे आपने बताया, बहुत सारे पेशेंट्स डरते हैं सर्जरी का नाम सुन के और चाहते हैं कि उनके नोज के शेप को अल्टर किया जाए लेकिन बिना सर्जरी के। तो लिक्विड राइनोप्लास्टी मतलब नाक के शेप को अल्टर किया जाए विद सम मटेरियल। यहाँ पे क्या मटेरियल यूज होता है उसको हम लोग फिलर्स बोलते हैं। ये फिलर जो होती है हाइलुरोनिक एसिड से बनाया जाता है और इसको हम कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पेशेंट का नाक यहाँ डॉर्सम जो है बैठा हुआ है और हमने यहाँ पे फिलर डाल के इसको लिफ्ट कर दिया, इसको हम लोग लिक्विड राइनोप्लास्टी बोलते हैं। अगर इसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं, जहाँ पे ये हम यहाँ पे कार्टिलेज डाल के हम सर्जिकली इसको एनहांस कर सकते हैं। पर जैसे आपने खुद बोला पेशेंट्स बहुत डरते हैं, तो ये एक अल्टरनेटिव है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि 6 से 9 महीने तक ही चलता है और हमको ये रिपीट करना पड़ता है। एक और चीज, लिक्विड राइनोप्लास्टी हम उन पेशेंट्स में भी कर सकते हैं जहाँ पे हमने सर्जिकल राइनोप्लास्टी किया है या कहीं और से करवाया है, पेशेंट को थोड़ा बहुत अल्टरेशन चाहिए, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट नहीं है, हल्का फुल्का डेफिशिएंट है, वहां पे भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है, कई पेशेंट जानना चाहते हैं कि उनको सर्जरी के बाद कैसा दिखने वाला है उनका नाक। अगर मैं वो जानना चाहता हूँ तो पहले मैं ये नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करवा लूं, करवा के देखूं मेरे को कैसा लग रहा है, तो मेरे को एक इमेजिनेशन हो जाएगा कि चलो ऐसा दिखने वाला है, फिर मैं सर्जरी की तरफ बढ़ सकता हूँ अगर मेरे को अच्छा लगा। हालांकि ये पूरा सेम मैच नहीं करेगा, बट यू विल हैव एन आईडिया कि कैसे दिखने वाला है। सो दैट इज नॉन सर्जिकल और लिक्विड राइनोप्लास्टी। यस, सो ये है लिक्विड राइनोप्लास्टी। अगर आप में से कोई अगर जानना चाहता है कि लिक्विड राइनोप्लास्टी होता क्या है, कैसे किया जाता है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आवर क्लिनिक। और जैसे आप लोग जानते हो, लिक्विड राइनोप्लास्टी इज नथिंग बट ऑगमेंटेशन ऑफ योर डॉर्सल पोर्शन ऑफ योर नोज, बट उससे आपका क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और विदाउट सर्जरी यू कैन गेट अ गुड नोज। सो फील फ्री टू गेट इन टच विद अस एंड थैंक यू सो मच।